तो गाइस रात का 10 बज रहा है अभी। मैं जिम क्लोज करने वाला हूँ, तो यहाँ आप जिम देख सकते हो। यहाँ पे सभी तरह का पार्ट है जिम करने के लिए। साइकिल टाइप बहुत तरह का पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बहुत तरह का डंबल्स उठाना पड़ता है। यह है डंबल, कम वेट का, सबसे ज़्यादा वेट का भी है। चलो मैं बंद कर देता हूँ लाइट। इसको कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, इसमें पॉम्प टाइप है, धुआं निकलता है यहाँ से। पाउडर है, ठीक है, इसके अंदर 6 किलो का है। जो इमरजेंसी में आग को काबू पाने के लिए इसको यूज किया जाता है। सेफ्टी पिन है, इसको यदि हम यूज करते हैं तो इसको हटाना पड़ता है। इसको जैसे ही हम प्रेस करेंगे धुआं निकलने लगेगा और ये फोकस मारने के लिए है ये पाइप। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिक फायर अलार्म सिस्टम, ये यदि किसी भी तरह से आग मतलब फैल जाती है तो यहाँ पे अलार्म बजने लगता है। हालांकि ये मशीन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। और ये होता है फायर हाइड्रेंट। यहाँ पे इस पाइप के द्वारा पानी हमेशा अवेलेबल रहता है। आग को काबू पाने के लिए इस पाइप का यूज किया जाता है। यहाँ पे दो पाइप है, एक नोजल जैसा है। ठीक है, यहाँ पे पानी अवेलेबल रहता है। ये भी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी मैं लिफ्ट के अंदर जा रहा हूँ, फोर्थ फ्लोर में हूँ। अभी ग्राउंड फ्लोर जाना है मुझे। फैन को ऑफ कर देता हूँ। ये है लिफ्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं हूँ। ठीक से शक्ल नहीं आ रहा है, अभी मुझे देख सकते हो। ये है पेन, ये भी टच स्क्रीन जैसा हो गया है पूरा। ठीक है, खाली टच करना होता है। ये है पेन, पंखा है, ये क्लोज करने के लिए बटन है, ये घंटी बटन है इमरजेंसी के लिए, ये ग्राउंड फ्लोर, ये बेसमेंट, ये बाकी सब क्लोज है। यहाँ पे कुछ लिफ्ट के लिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। मैक्सिमम कैपेसिटी 10 लोग इसमें सफ़र कर सकते हैं एक टाइम पे।